अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। कोई नहीं है। समाज जो हमारे ऊपर उंगली उठाती है, अगर सफल हो गए तो उसका जवाब हो जाएगा। देखिए, मेरा मानना है कि पढ़ना और पढ़ाना, टीचर का काम ही है, स्टूडेंट और टीचर में डिफरेंट सिर्फ ये है कि टीचर दो कदम आगे है और स्टूडेंट दो कदम पीछे। जैसा गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं है योग्य, अयोग्य है, तो इसके माध्यम से प्रूफ करना चाहिए। देने के लिए तैयार हैं कि नहीं? जी जी जी। समाज क्या उंगली उठाती है कि हम लोग पढ़ाते नहीं है, हम लोग को कुछ आता नहीं है, उठाती उंगली। तो अगर सफलता मिल जाए तो बस उसी के लिए एग्जाम दे रहे हैं, बस और किसी चीज के लिए नहीं। उन्होंने अपना एग्जाम छोड़ करके मेरे लिए आए हैं। अपने कौन सा एग्जाम छोड़ दिए? बीपी एग्जाम छोड़ दिए जी, क्योंकि दो जगह पढ़ा है, बच्चे भी हैं, तो वो अपना छोड़कर मेरे लिए आए हैं। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन है। फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है और कंबाइन है, मेल कैंडिडेट्स भी जाएंगे अंदर, फीमेल कैंडिडेट्स भी जाएंगे। आपको दिख रहा होगा कि ध्यान से, बस कुछ समय बाकी है, उसके बाद भी रट लेना है, जितना रटना है ध्यान से। कितना पढ़िएगा ये बताइए। पढ़ना क्या, हम लोग तो अनवरत पढ़ ही रहे हैं। हाँ। जब एक शिक्षक हैं तो हमको पढ़ने की अलग से क्या लगातार हैबिट बनाई, लेकिन फिर भी मतलब रिवीजन तो जरूरी अच्छा, है। हमेशा बच्चों से पूछा जाता था कि डर रहे हैं कि नहीं, आज मैडम ही से पूछते हैं कि डर लग रहा है। कोई डर नहीं है, डर क्यों होगा, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। आप बताइए, देखिए यहाँ भी पढ़ाई चालू है, आप बताइए कि कैसा लग रहा है कि एक शिक्षक होने के नाते फिर से एक बच्चे की तरह पढ़ना पड़ रहा है? अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। कोई समाज नहीं है। समाज जो हमारे ऊपर उंगली उठाती है, अगर सफल हो गए तो उसका जवाब हो जाएगा। समाज क्या उंगली उठाती है कि हम लोग पढ़ाते नहीं है, हम लोग को कुछ आता नहीं है, उठाती उंगली। तो अगर सफलता मिल जाए तो बस उसी के लिए एग्जाम दे रहे हैं, बस और किसी चीज के लिए नहीं दे रहे हैं। अपने इमेज के लिए दे रहे हैं कि भैया हम किसी बस, से कम नहीं हैं। जी जी, तो रगड़ के आइएगा कि नहीं मैडम जी, ये अब देखिए, वो तो वक्त बतलाएगा। आप बताइए, आप भी पढ़ाई कर रही हैं, इन्होंने साफ कहा कि इमेज जो बना दिया है लोगों ने कि मैडम जी लोग पढ़ाती नहीं, उसके लिए एग्जाम दे रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि पढ़ना और पढ़ाना, टीचर का काम ही है, स्टूडेंट और टीचर में डिफरेंट सिर्फ ये है कि टीचर दो कदम आगे है। हाँ। और स्टूडेंट दो कदम पीछे, स्टूडेंट ही है हम भी और आजीवन रहेंगे टीचर हैं तो, लेकिन फर्क रात में पढ़ना होता होगा, कुछ कंफ्यूजन होता होगा। मानना ये है कि हम स्टूडेंट हैं, जीवन भर स्टूडेंट ही रहेंगे, हम बन के भी रहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो परीक्षा देने डर नहीं लग रहा? क्यों डर लगेगा, मान लीजिए युद्ध में उतरने जा रहे हैं, जो से डर जाएंगे तो हार जाएंगे ना। कहाँ से आएंगे आप? हम छपरा से। छपरा से, मतलब कि कोई डर नहीं? पति क्या? बिल्कुल डर नहीं, मेरे पति टीचर है। टीचर है जी, टीचर अभी टीचर जी। उन्होंने अपना एग्जाम छोड़ करके मेरे लिए आए हैं। अपने कौन से एग्जाम छोड़ दिए? बीपी एग्जाम छोड़ दिए जी, क्योंकि दो जगह पढ़ा है, बच्चे भी हैं, तो वो अपना छोड़कर मेरे लिए आए हैं। यही प्यार, मतलब अपना छोड़ दिए और आपको दिलवा रहे हैं क्या? जी हाँ, मतलब क्योंकि मेरा आगे बढ़े जी, मेरा हॉबी है। लोग कहते हैं ना कि लेडीज जो है पिछड़ी होती हैं, सोच उनका वीक होता है, तो इसको प्रूफ करना है ना। पति ने अपना एग्जाम छोड़ दिया, आपको दिलवा जी। आप बताइए कहाँ से पहुँची हैं? हम तो हाजीपुर से। एग्जाम देने आई हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड? यहाँ देखिए, लगातार जो मैडम जी लोग हैं वो पढ़ाई कर रही हैं, उनसे सवाल जरूर होगा कि कितना रटिएगा। बताइए कहाँ से पहुँची हैं एग्जाम के लिए, नर्वस है या नहीं है? नर्वस नहीं, पहले से टीचर है? नहीं, अभी पहली बार। कितने साल से इस चीज के लिए तैयारी कर रहे थे? हो गया 3 साल। 3 साल हो गया। इसी को क्यों चुना आपने कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा देते हैं, शिक्षक बनेंगे, मैडम जी कहलाने का एकदम क्या? चलिए, कंफ्यूज है कि नहीं? यहाँ देख सकते हैं आप, एडमिट कार्ड लेके खड़ी हैं और देख रही हैं अपना कि रूम भैया कहाँ पे पढ़ रहा है। सारे लोग जो हैं वो पहुँच रहे हैं। कहाँ से आई हैं? वैशाली। वैशाली से। तैयारी कैसी है, नर्वस है या नहीं? थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी, तो पहले से टीचर रह चुके हैं जी, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ एक शख्स मौजूद थी जिनका कहना था एग्जाम इसलिए दे रहे हैं ताकि लोगों के मुंह पे तमाचा रहे कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसा। जैसा गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं है योग्य, अयोग्य है, तो इसके माध्यम से प्रूफ करना चाहिए। जवाब देने के लिए तैयार हैं कि नहीं? जी जी जी, जवाब देने के लिए तैयार है। एक और शख्स हैं जो कि पहुंची भी हैं। तैयारी कैसी है, नर्वस है या नहीं? नर्वसनेस तो है, क्योंकि पहला पेपर जो प्राइमरी में आया था वो एकदम टीचर नहीं कलेक्टर बनाने वाला था। और सेकंड वाला तो इजी था हिंदी? सेकंड तो वो सिर्फ जितना उन्होंने बोला था कि साइन लैंग्वेज पढ़ने के लिए चेक कर रहे हैं, वही उन्होंने क्वेश्चन दी थी। पहले से टीचर हैं आप? मतलब प्राइवेट स्कूल में हम कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल? हाँ। तो दिक्कत तो मुझे लग रहा है कि नहीं होगा कि नहीं? थोड़ी सी, मतलब हमारी SCERT और NCERT में डिफरेंस होती है सिलेबस में, और बाकी टाइम पे मिल नहीं पाता, टाइम बहुत कम है, 24 घंटे में इधर भागो उधर भागो। ऊपर से आप ड्यूटी वाले टीचर्स हैं तो फिर घर वो तो थोड़ा सा है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि आप 4 साल हम इंतज़ार किए हैं इस वैकेंसी, मतलब हमने इंतज़ार ये कर रहे थे कि हमें अब नौकरी लगेगी और यहाँ फिर से हमें पेपर देना पड़ रहा है।
चलिए देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज लास्ट दिन है, फर्स्ट शिफ्ट में कंबाइंड पेपर है, यानी मेल कैंडिडेट्स भी जाएंगे, फीमेल कैंडिडेट्स भी जाएंगे। महिलाओं को क्या कुछ कहना था, मैडम जी को क्या कुछ कहना था? साफ कह रही हैं कि देखिए, हम सरकार को जवाब देने आए हैं कि हम अनपढ़ नहीं हैं, हम पढ़े लिखे हैं। तो क्या कुछ कहना था वो आपने सुना? तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।